गोपी, जिस तरीके से हमने देखा कि गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, आज जब वहां के सीएम ने इस पूरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, क्या दिक्कतें बताई उन्हें, इस पर कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नेहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने जब इस पूरे मामले को, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से गुजरात में फैल रहा है, सबसे ज्यादा केसेस यहां पे आ रहा है, तो सबसे अहम होता है हॉस्पिटलाइजेशन। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने प्रधानमंत्री को कहा कि गुजरात के पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स अवेलेबल है, करीब 45,000 बेड फिलहाल खाली है पूरे गुजरात के अंदर, तो अगर मरीज आते हैं तो उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट देना, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही डिसाइड की है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो डोरस्टेप पर किस तरीके से लोगों को ट्रीटमेंट दी जाए, क्योंकि कोरोना के अंदर जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है उन लोगों के लिए होम आइसोलेशन भी रहता है, तो वैसे में जो 104 सर्विसेज है या फिर धन्वंतरी सर्विसेज है वो किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में भी जानकारी दी, होम आइसोलेशन में क्या क्या प्रोटोकॉल है ये सारी चीजों की ब्रीफिंग दी। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक करीब 11 लाख लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि जो टेस्टिंग है उसकी मात्रा को बढ़ाना चाहिए, तब जो 23 नवंबर यानी कल अकेले एक ही दिन में 70,000 जितने कोरोना टेस्टिंग किए गए हैं, सारी चीजों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है। साथ ही जो कोरोना की टेस्टिंग है, साथ ही चाहे वो आरटीपीसीआर टेस्टिंग हो या एंटीजन टेस्टिंग हो, ये सारी टेस्टिंग को बढ़ाने की भी बात इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि वैक्सीन को लेकर, तो वैक्सीन का जो परीक्षण है वो अब गुजरात में शुरू होगा, करीब 1,000 लोगों पर अहमदाबाद की जो 16 सिविल अस्पताल है वहां पे इसका परीक्षण किया जाएगा, और उन 1,000 लोगों का एक पूरा लिस्ट तैयार किया गया है जो वैक्सीन आज या कल में गुजरात के एयरपोर्ट पर आ जाएगी। लौटूंगी मैं आपके पास गोपी, और इस बीच हरियाणा की भी बात करेंगे जहां के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री ने उनसे आगे की रणनीति को लेकर मशवरा भी मांगा। संतोषजनक ऐसा हम मान सकते हैं। जहां तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़े वाले, तो अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है? 26 तारीख से जितने भी एनसीआर के बड़े शहर हैं, 6 जिले खास करके उसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और हिसार, सोनीपत आ गया, तो इन 6 जिलों में सोशल गैदरिंग के नाते, चाहे वो पारिवारिक है, विवाह शादी है या कोई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक है, किसी प्रकार की गैदरिंग में कोई भी जो हॉल कम से कम जहां 100 की संख्या का स्पेस है तो वहां 50 लोग ही एकत्र होंगे, इससे ज्यादा नहीं, और ओपन में अगर करना होगा तो 100 लोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बाकी जिलों में किसी इंडोर में करना होगा तो 100 की संख्या तय की है, ओपन में करना होगा तो 200 की संख्या तय की है। ये परसों 26 तारीख से ये नियम लागू हो जाएगा।